दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी व्यूवर्स पूछ रहे थे, आबिद भाई हमें अपडेट कर दें कि विज़िट वीज़ा लग रहे हैं नहीं लग रहे, और क्या हमें अप्लाई भी करना चाहिए। देखिए पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर करूं कि हम विज़िट वीज़ा बिल्कुल डील नहीं करते। अगर आप मैसेज करेंगे कि हमारा वीज़ा अप्लाई करके दें, चार्जेस कितने हैं, टाइम कितना लगेगा, तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस के आंसर हमने ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, स्पेशली यूट्यूब पे दिए हुए हैं। यूट्यूब का जो लिंक है, आप जैसे टिकटॉक के मेन पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे यूट्यूब का लोगो टॉप पे मिलेगा, आपने क्लिक करना है तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इजीली। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें आप विज़िट वीज़ा की, देखें विज़िट वीज़ा बिल्कुल ये नहीं है कि 100% सारे रिजेक्ट हो रहे हैं या सारे बंद हैं, या इस तरह से भी नहीं है कि जो भी अप्लाई कर रहा है उसका वीज़ा अप्रूव हो रहा है। कुछ केसेस काफ़ी हमारे सामने लोगों के अप्रूव हुए हैं। हमारे कुलीग थे, उन्होंने अप्लाई किया, पहले उनका 2 मंथ का विज़िट वीज़ा था, वो रिजेक्ट हो गया। उन्होंने फिर थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद फिर अप्लाई किया तो उनका वीज़ा इजीली 1 मंथ का उनको मिल गया। एक और कुलीग थे, उनका पहले यहाँ पे वीज़ा था, एमिरेट्स आईडी थी, काम किया हुआ था, उन्होंने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, 2 महीने का उनका वीज़ा इजीली लग गया। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, आपने दुबई को घूमना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप अप्लाई करें अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, डेफिनेटली आपका वीज़ा हो जाएगा। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, 100% तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि सिचुएशन कुछ ना कुछ पहले की निस्बत बेहतर हुई है, और इंशाल्लाह टाइम के साथ इसमें और भी अच्छी बेहतरी आएगी, और ज़रूर जो वीज़ा का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और लोगों के अप्रूवल्स उनको मिलेंगे। वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।